सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइन दोस्तों, यहाँ पर वीवो की तरफ से वीवो का V29 इंडिया के अंदर ऑफिशियली आ चुका है और ये हमें 30,000 के अंदर काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ ओप्पो की ओर से ओप्पो का Reno 10 5G इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है, जो कि लगभग इसी प्राइस पर मिलता है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है जो वीवो V29 स्मार्टफोन में मिल जाता है। और आप सभी जानते हो कि इंडिया के अंदर वीवो की वी सीरीज और ओप्पो की रेनो सीरीज काफी ज्यादा फेमस है। और अगर आप जानना चाहते हो कि वीवो V29 और ओप्पो रेनो 10 में से कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो आज इस वाली वीडियो के अंदर दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, कि किस स्मार्टफोन के अंदर बेटर स्पेसिफिकेशन मिलती है या फिर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोनों के डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको दोनों फोन्स के अंदर काफी प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पर बैक के साइड में वीवो V29 के अंदर ग्लास बैक दिया गया है, जबकि रेनो 10 में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल मिल जाता है। बाकी दोनों के साइड के फ्रेम प्लास्टिक के मिल जाएंगे और पीछे के साइड दोनों के अंदर ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रंट के साइड में आपको वीवो V29 के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलती है, जबकि इस बार रेनो 10 में भी एक कर्व डिस्प्ले दे दी गई है। तो डिजाइन के अंदर काफी कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस की FHD+ रेजोल्यूशन वाली कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 10 बिट का एमोलेड पैनल है, जिसके साथ मिल जाता है 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट। और इसी के साथ 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है वीवो V29 में, तो वहीं रेनो 10 में 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में दोनों के अंदर HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो या फिर गेमिंग वगैरह करते हो, तो डिस्प्ले वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी बेस्ट मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि कौन सा प्रोसेसर किस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो वीवो V29 आता है स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में, तो वही रेनो 10 के अंदर मिल जाता है डायमेंसिटी 7050 का पावरफुल 5G चिपसेट, जो कि डायमेंसिटी 1080 का रीब्रांडेड वर्जन है। और दोनों ही चिपसेट अपनी अपनी जगह पर काफी तगड़े प्रोसेसर है, और दोनों ही चिपसेट जनरली 30,000 के अंदर आने वाले फोन में ज्यादातर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में दोनों के अंदर LPDDR4X की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है, और दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर रन करते हैं। और वैसे देखा जाए तो वीवो की वी सीरीज और ओप्पो की रेनो सीरीज गेमिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, लेकिन दोनों के अंदर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक का होगा। तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन्स काफी तगड़े मिल जाते हैं। और अगर बात रही इनके कैमरे की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कैमरा सेंसर अलग अलग दिया गया है। वीवो V29 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS के साथ, जिसमें सैमसंग का GN5 सेंसर यूज किया गया है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है, जबकि रेनो 10 का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसमें OIS नहीं मिलता है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन से आप काफी तगड़े लेवल की इमेज और वीडियोस ले पाओगे, लेकिन अगर आपको जूमिंग वगैरह करना है तो रेनो 10 की तरफ जा सकते हो, वरना वीवो V29 के अंदर आपको ओरा लाइट और OIS देखने को मिल जाता है। और वहीं फ्रंट साइड में एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है रेनो 10 में, तो वहीं वीवो V29 के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो इनके फ्रंट से भी आप काफी तगड़ी लेवल की इमेज और वीडियोस ले पाओगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसको चार्ज करने के लिए वीवो V29 में आपको 18W के फास्ट चार्जर दिया गया है, जबकि रेनो 10 में आपको 67W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, सिंगल स्पीकर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस की, तो वीवो V29 का बेस वेरिएंट 8128GB आता है 33,000 का, तो वहीं रेनो 10 का बेस वेरिएंट 8256GB मिल जाता है 33,000 का। तो देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन सिमिलर से देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंट ये है कि वीवो V29 में आपको ओरा लाइट और OIS वाला कैमरा मिलता है, जबकि रेनो 10 में आपको टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है। तो ओवरऑल वीवो V29 और ओप्पो रेनो 10 को प्राइस के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, तो आई थिंक आपको वीवो V29 की तरफ जाना चाहिए। और वैसे आपकी क्या है ये दोनों स्मार्टफोनों को लेकर कमेंट बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।